इतना ही नहीं, आपका हवाई सफर भी महंगा हो गया है। नवरात्रि शुरू होने के साथ ही त्योहारों की शुरुआत हो गई है और साथ ही इन त्योहारों में अगर आप हवाई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो तैयार हो जाइए जेब ज्यादा ढीली करने के लिए। लगातार हवाई ईंधन और नुकसान को कम करने के लिए घरेलू एयरलाइंस ने किरायों में 20% तक की बढ़ोतरी करने का मन बनाया है। नवरात्र के शुरू होने के साथ ही त्योहारों के मौसम का आगाज हो चुका है, लेकिन इन त्योहारों में आपका हवाई यात्रा करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि महंगाई की मार अब आपकी हवाई यात्रा पर भी पड़ेगी। क्योंकि अपने नुकसान को कम करने और लगातार हवाई ईंधन महंगा होने के चलते घरेलू एयरलाइंस ने त्योहारों के समय हवाई किरायों में बढ़ोतरी करने का मन बनाया है। दरअसल त्योहारों में ज्यादा यात्रियों के उड़ान भरने की उम्मीद में बैठी एयरलाइंस मुनाफे का ये मौका गंवाना नहीं चाहती। मेरे ख्याल से एयरफेयर 15 से फॉर्म अप हो जाएंगे। अभी एयरफेयर लास्ट D2 या 2 दिन या 3 दिन पहले फॉर्म अप होते हैं, काफी फॉर्म अप होते हैं। और 15 अक्टूबर से जब कॉमनवेल्थ का जो प्रेशर था उसमें काफी लोग ट्रैवल नहीं किए हैं, मेरे ख्याल से उसके बाद ट्रैफिक वुड पिक अप मोर। और अप टू मार्च, आई थिंक अप टू एंड ऑफ फरवरी मार्च ट्रैफिक स्टेबल रहेगा। और मेरे ख्याल से कुछ पॉकेट्स ऑफ टाइम में फेयर्स काफी हाई होंगे। त्योहारों के समय घरेलू एयरलाइंस ने किरायों में 20% तक की बढ़ोतरी करने का मन बनाया है। लगातार हवाई ईंधन के दामों में तेजी के चलते एयरलाइंस का नुकसान बढ़ रहा है। त्योहारों के समय एयरलाइंस की यात्री क्षमता 90% तक होने की उम्मीद है। बढ़ती यात्रियों की संख्या को भुनाने के लिए एयरलाइंस ने किरायों में बढ़ोतरी का मन बनाया है। इस साल त्योहारों के समय यात्रियों की संख्या में तेजी को भुनाने के लिए महंगे हो सकते हैं किराए। अगस्त में 40 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की थी। वहीं जानकार त्योहारों के समय हर महीने यात्रियों की संख्या करीब 50 लाख तक पहुंचने की उम्मीद जता रहे हैं। इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी एयरलाइंस में सर्दियों की उड़ानों में 6% कटौती कर दी है। उड़ानों में कमी के चलते भी एयरलाइंस का नुकसान बढ़ेगा और इसलिए भी किराए महंगे होंगे। लगातार महंगे हवाई ईंधन के चलते एयरलाइंस के लिए हर उड़ान महंगी हो गई है। त्योहारों में मांग में तेजी आने के चलते एयरलाइंस किराया 20% तक बढ़ा सकती है। 15 अक्टूबर के लिए दिल्ली से गोवा का रिटर्न फेयर अभी से महंगा हो गया है। स्पाइसजेट का रिटर्न किराया जहां आपको 15,110 रुपए में पड़ेगा, वहीं किंगफिशर से आपको 21,078 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और जेट एयरवेज का किराया करीब 14,000 रुपए प्रति यात्री पड़ेगा। पोजीशन ऐसी है कि कोई भी एयरलाइन मतलब डिमांड और सप्लाई पे है। अगर आप एडवांस में बुकिंग्स कर लें, जैसे कई लोगों ने एडवांस में बुकिंग कर ली दशहरे दिवाली के लिए, तो उनको बॉम्बे की टिकट 2,500-3,000 में भी मिल गई। पर लास्ट मिनट पे आप बुकिंग करेंगे तो वही टिकट आपको 9,000 की मिलेगी। तो इसका नेम ऑफ द गेम है कि इसको जितनी जल्दी आप बुक करें उतनी आपको सस्ती मिलेगी। साफ है, आने वाले त्योहारों में आपको महंगी हवाई यात्रा से भी 2-2 हाथ करने पड़ेंगे, क्योंकि अपने घाटे को कम करने के लिए एयरलाइंस ने अब आपकी जेब ज्यादा ढीली करने का फैसला किया है। अनुराग मानखंड, दिल्ली, News 24। धन दौलत ने आज लिखा।